वेलकम बैक नाजरीन। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है रीजनल कोऑर्डिनेटर औरत फाउंडेशन मिस नबीला शाहीन को, एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट सैयद मुश्तबा अली काजमी को और सीनियर जर्नलिस्ट शनीला फरहान को। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस शनीला, सबसे पहला सवाल आपसे, वर्क प्लेस में हरासमेंट को आप किस तरह बयान करती हैं और किन किन तरीक़ों से औरतों को हरास किया जाता है? देखिए, हरासा करना तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। ये सिर्फ सेक्सुअल एडवांसेस नहीं है। ये अगर आप किसी दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल किस्म का रवैया आपका ऐसा हो जिसमें वो काम करने में कंफर्ट महसूस ना करे, वो भी हरासमेंट में शामिल हो जाता है। मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरे साथ मेरे कोलीग्स या मेरे अफसर मुझे इस तरह की बातें करें या इस तरह के जेस्चर्स दें जिनसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाए और मुझे टीस करें किसी भी तरह से, वो भी हरासमेंट में शामिल होता है। ठीक, तो लेकिन मैं सेक्सुअल हरासमेंट और इसके अलावा जो इंटेंडेड हरासमेंट, उसके किसी विक्टिम को आप पर्सनली जानती हैं? जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। उनसे किस आप वाकया शेयर करना चाहेंगी? अब एक नहीं, मैं काफ़ी सारे ऐसी ख्वातीन को जानती हूँ। ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन, चूँकि बीइंग अ वुमेन, अगर जो लड़कियाँ होती हैं या ख्वातीन होती हैं वो मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं और मुझसे आके अपने प्रॉब्लम्स अगर शेयर करती हैं तो वो ज़्यादातर उन्हीं का मामला होता है। और ये भी वैसे भी एक वीक सेक्स है, इस वजह से इनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें अब रिसेंटली बल्कि एक केस ऐसा है जिसमें देयर इज़ नथिंग इन इट, अगर आप देखें तो कोई इस तरह के सेक्सुअल एडवांसेस नहीं हैं एज सच, लेकिन ये कि घर ड्रॉप करने की ऑफर, अनइनवाइटेड जेस्चर्स जिनको कहा जाता है, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती लेकिन आप मुझे कहेंगे नहीं नहीं मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मेरा अपना कोई सिस्टम है, मैं भले रिक्शे में जाऊँ या बस में जाऊँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो सब आमतौर पर सेक्सुअल एडवांसेस अगर हों तो सबसे पहले यहीं से शुरू होते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको बुला के बस खड़ा कर लूँ, कोई काम नहीं है, बस खड़ा कर लूँ, सोचूँ कि अच्छा, और मुझे ये पता लगे कि अच्छा जो मैंने शायद पिछली बात नहीं मानी थी उसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा है कि मुझे बिला वजह इनके कमरे में आके खड़ा होना पड़ता है या इनके दरबार में हाजिरी देनी पड़ती है, ऐसे मामलात होते हैं। जी, तो वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे होंगे और अगर ये कुलीग की तरफ से या किसी सीनियर बंदे की तरफ से आ रही है एडवांसमेंट इस तरह की, तो उस केस में क्या आप जो विक्टिम थी उन्होंने कंप्लेंट लॉज की या कानून का दरवाज़ा खटखटाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझ तक ये बात पहुँची थी कि ये बच्ची को कोई तंग कर रहा है और जो तंग कर रहे हैं वो भी ऐसी बात है, एक सीनियर पोस्ट के साहिब हैं। तो सबसे पहला उस बच्ची का कंसर्न ये था कि अगर मेरे घर में पता लग गया तो सबसे पहले जो होगा वो मुझे ग्राउंड कर दिया जाएगा इस बात पे कि नहीं, अच्छा कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, कहीं भी आने जाने की। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे घर में नहीं भी पता लगता तो यहाँ पे अगर किसी को पता लग गया कि ये हो रहा है, ओपन हो जाती है ये बात, तो मेरा क्या इम्प्रेशन होगा, मेरी नेकनामी पर असर पड़ेगा। तो एक तो ये, और दूसरा ये ट्रस्ट नहीं है लोगों में कि अगर मैं कोई कंप्लेंट करती हूँ तो क्या उस पर कोई काम भी होगा, उसका कोई नतीजा भी निकलेगा, या ये कि मुझे फर्दर आगे जाके मजीद हरासमेंट का और डिफरेंट तरह की हरासमेंट का जो कि शायद एनिमिटी में बदल जाए उसका सामना करना पड़े। बिल्कुल नबीला साहिबा, आपसे एक सवाल के रोशनी डालें कि किस तरह के वर्क प्लेसेस पे हरासमेंट यूजुअली की जाती है, क्या इसकी कोई क्लासिफिकेशन या बाइफरकेशन की जा सकती है? हरासा किया जाना जो है ना सिर्फ किसी इदारे में है बल्कि आपको आम जो अवामी जगह हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको ऐसे केसेस आम नज़र आएंगे। और हरासा किए जाने की अगर आप कानूनी डेफिनेशन तारीफ उठा के देख लें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस डेफिनेशन में आ जाती हैं कि चलते चलते इशारा करना, पीछा करना, खड़े खड़े कोई ऐसा ऐसी हरकत कर जाना, किसी लड़की को हाथ लगा देना, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये पब्लिक प्लेस पे बहुत कॉमन है। लेकिन उनकी अगर हम कहें कि शिकायत उस तरीके से दर्ज कहीं करवाई जाती है या जो हमारे पास हुकूमती इदारे हैं जो सपोर्ट मेकानिज़म के तौर पे कायम किए गए हैं,
तो वहाँ तक लोगों की रसाई कितनी मुमकिन है, ये अभी पब्लिक के हवाले से तो मुश्किल है, लेकिन जो बात अभी आपने वर्क प्लेस की तो काम की जगह पे, मुलाजमत की जगह पे अगर किसी को हरासा किया जाता है तो उसके लिए 2010 और फिर 2012 में जो पंजाब हुकूमत ने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसमें कुछ तरमीम के ज़रिए वो कानून बना। मुश्तबा साहब, आपसे सवाल, कानून तो ये सोच के बनाया गया था कि इस तरह के केसेस को ख़त्म किया जा सके, हरासमेंट को कर्टेल किया जा सके, लेकिन केसेस तो अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं और फिगर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या कानून में कोई झोल है जिस वजह से अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हो पाई? देखिए, इस पे हरासमेंट के ऊपर फेडरल लेवल पे भी कानून बना है, प्रोविंशियल लेवल पे भी हुआ है, कानून साजी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2010 का है और उसके तहत वो ये कहते हैं कि जी आप कमेटीज़ बनाएं, जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट उसके नीचे आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, उनके एक इंटरनल कमेटी होगी जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह कोई भी इशू, और ओम्बड्समैन के ऑफिस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं सब जगह पे। तो इन आइदर केस जो ग्रीव्ड पार्टी है वो इंटरनल कमेटी को भी अप्रोच कर सकती है और ओम्बड्समैन को भी कर सकती है, और इसको बड़ा एक तरह से समरी प्रोसीजर दिया गया है कि जल्द से जल्द इनको ख़त्म किया जाए। और कितना टाइम मिनिमम? कंप्लेंट जब आप ग्रीव्ड पार्टी लॉन्च करती है तो उसके बाद से 3 दिन का टाइम दिया गया है कि जो डिफेंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है, एक्यूज जो है उसको बता दिया जाए, और फिर जब उसको बता दिया जाता है 3 दिनों में तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 7 दिनों का टाइम है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उसने अपना रिप्लाई देना है और आके अपने जो भी उसका स्टांस है वो उसने पेश करना है। अगर वो नहीं पेश करता तो फिर ये समझा जाता है कि जी ठीक है कि ये नहीं आ रहा, और एक्स पार्टी यानी उसके गैर मौजूदगी में वो प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। और इस कानून के नीचे माइनर पेनल्टीज भी बताई हुई हैं, मेजर पेनल्टीज भी बताई हुई हैं। इन शॉर्ट, मैं अगर ये कहूँ कि ये कानून एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कानून है तो ये गलत नहीं होगा। इशू ये है कि जिस तरह मैडम ने कहा, एक तो इस कानून में सिर्फ सेक्चुअल नेचर की हरासमेंट को ज़्यादातर एड्रेस किया गया है, दूसरी तरह की हरासमेंट को वो एक्नॉलेज नहीं किया गया। हरासमेंट की डेफिनेशन ऑल्दो इट्स क्वाइट वाइड लेकिन लिमिटेड है सेक्चुअल नेचर की हद तक। और दूसरा एक जो इशू है वो ये है कि काफ़ी एक तो रिपोर्ट्स हो नहीं रहे केसेस, तीसरा लॉयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर यू नो डेट्स, और फिर वो थोड़ा सा ड्रैग होना शुरू हो जाते हैं इश्यूज़। एक प्रॉब्लम है जो इसको हमें देखना होगा कि किस तरह किया जा सकता है, वरना कानून में मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। आपने अभी यहाँ पे कहा कि केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, कुछ प्रेशर्स हैं या? बिल्कुल प्रेशर है। देखिए, अगर ये हम सब इस बात को जानते हैं, अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई इशू होगा, कोई हरासमेंट से रिलेटेड या किसी भी कोई इवन के डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो, किसी भी नेचर का हो, तो सबसे पहले हर एक के बंदे में और इवन के जो विक्टिम होती है बेचारी, उसके जहन में भी ये आता है कि यार इल्ज़ाम तो मेरे पे ही आना है। ठीक है, मैं कहीं जाके भी रिपोर्ट करूँगी, कुछ भी होगा तो अगलों ने ठहराना तो मुझे ही मुलजिम है कि भाई तुम्हारी भी इसमें गलती है, कुछ है। फिर बदनामी का डर भी होता है, जो सबसे बड़ा डर है। ठीक है, और इधर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ कि ये जो लॉज़ हैं, एक जो पाकिस्तान का काफ़ी पुराना है पाकिस्तान पिनल कोड, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड लॉज़ थे। हरासमेंट के ऊपर स्पेसिफिक नहीं था लेकिन अदर प्रोविजंस थी जो कि इसको कैटर करती थी, लेकिन इन स्पेशल लॉज़ को लाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। और अभी भी इन्हें आए हुए हरासमेंट लॉ को तो आए हुए भी 6-7 साल ही हुए हैं, इट्स क्वाइट न्यू उस पर देखा जाए तो। लेकिन सोशल प्रेशर्स फिर भी उधर हैं, सोशल प्रेशर की बदनामी हो जाएगी और रिप्यूट आपकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई बात कहेंगी जाके किसी को भी, कोई इस तरह विक्टिम बेचारी कहेगी तो यही समझा जाएगा कि वो गलत है। मैम, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बाइख्तियार औरत की जो कि खुद कमाने घर से बाहर निकलती है, चाहे ज़रूरत के तहत निकले या अपने शौक के तहत। इसका मतलब उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो ब्रेड विन कर सकती है तो अपने केसेस को खुद डील कर सकती है। ऐसी औरत को भी सोशल प्रेशर्स का सामना होता है केस रिपोर्ट करते हुए? सोशल प्रेशर्स का सामना तो हर जगह होगा। मैं एक बहुत सीनियर, मतलब मुझे काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं और इसी फील्ड में मैं मीडिया में ही काम कर रही हूँ, लेकिन मैं एंड आई एम अ मैरिड वुमन, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, लेकिन अगर मुझे किसी किस्म, जो कि मैं समझती हूँ समटाइम्स कुछ ऐसे रवैये होते हैं आपके वर्क प्लेस पे या इवन बाहर भी, अगर मैं सड़क पर चल रही हूँ और मुझे लोग आवाज़ें कसेंगे और मैं उसको, अगर वो कंप्लेंट तो आप लॉज कर ही नहीं सकते ना, उसको तो आप भूल जाए। अभी हम सिर्फ क्लोज क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप डेली, आपको एक ही शख्स से वास्ता पड़ता है, वो
मैं नहीं कर सकूंगी, बिकॉज आई एम श्योर अगर मैं अपने हस्बैंड को जाके बताऊंगी तो वो कहेगा आइदर यू आप अपनी जॉब चेंज कर लो या फिर इग्नोर कर दो, ट्राई कि उस बंदे से बात ना करो. ठीक है, वो जो कन्फ्रंट करने का एक है ना, वो हमारी हम सोचते ही नहीं है, ना ही उसको इनक्रेज किया जाता है. बिकॉज एक तो जो मुश्तबा ने कहा कि वो अगर मैं वो कंप्लेंट लॉन्च करूं ओम्बड्समैन की तरफ जाके वफाकी मुतसिब से, तो फिर वो लॉयर, फिर डेट्स पढ़ना, फिर इतने सारे मसाइल, वो जो एक मेंटल टॉर्चर होगा उससे उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता. तो सबसे बेहतरीन काम मेरी नज़र में जो है वो वर्क प्लेसेस में ऐसी जो कमेटीज़ हों जिनमें उन लोगों को शामिल किया जाए जिनका ट्रस्ट लेवल एक डेवलप हो चुका हो बाकी वर्क फोर्स से, और उनके पास लोग जाके कंप्लेंट करने को में कंफर्ट महसूस करें, उनको कोई ये ना सोचे कि अच्छा नहीं मैं इनके पास गया तो हो सकता है ये उल्टा मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराएं, ऐसी चीज ना हो. नबीला साहिबा, यही सवाल आपसे कि इंसाफ के हसूल में ये जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते, ये सोशल प्रेशर्स ये किस हद तक रुकावट बनते हैं? क्योंकि आप तो औरतों की ग्रूमिंग का भी बीड़ा उठाए हुए हैं औरत फाउंडेशन में, तो आपकी तो उनसे डायरेक्ट बात होती है, वो किस किस्म के सोशल प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करती हैं और क्यों? जी बिल्कुल आमना, आपका सवाल बहुत वाजे और बड़ा वैलिड सवाल है कि क्या अगर कोई खातून जो मुतासिर हुई है इस वायलेंस हरासा किए जाने जैसे केस से, तो जब वो थाने में जाती है या जो भी रिपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म मौजूद है वहाँ जाती है, तो क्या उसको वो मसाइल तो नहीं आते कि वो इंसाफ तक रसाई उसकी आसानी से हो जाए? तो बिल्कुल अभी उनको वो मसाइल पेश आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारी ख्वातीन हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी आती हैं, वो अपना मसला तो बता देती हैं लेकिन साथ साथ एक फियर भी होता है, बहुत सारे खदशात जुड़े होते हैं कि ये ना हो हमारी घर वाले हमें जॉब करने से रोक दें, ये ना हो जब हम बाहर जाएँ तो हमें इंसाफ भी मिले या ना मिले, जिन लोगों के पास हम जाएँ उनका एटीट्यूड हमारे साथ क्या होगा, आप हमें बताएं कि हमें इंसाफ मिलेगा भी नहीं. ये जो खदशात हैं उन ख्वातीन के जो वायलेंस का शिकार हो रही हैं, जो हरासा की जा रही हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है या वो आम अवामी मकामात हैं, तो उन औरतों के अंदर अभी वो इत्माद नहीं है. नबीला साहिबा, थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी कि अदाद व शुमार में फ़र्क बहुत ज़्यादा है और वाज़े है, और इसकी वजह यह है कि जो दर्ज शुदा केसेज हैं और कमिट होने वाले केसेज में इनके अदाद व शुमार में फ़र्क है. अगर घर के लेवल से इसको जांचा जाए तो बाप जब अपनी बीवी को मारेगा बच्चों के सामने तो बेटी को चुप रहने का मैसेज जाएगा, जबकि बेटे को बेलगाम घूमने का मैसेज जाता है, तो किसी न किसी सतह पे डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट को फ़रोग देती है. आपके इदारे ने क्या इसे एक प्रॉब्लम के तौर पे आइडेंटिफाई किया है या इनकी ग्रूमिंग की तरफ आपका फोकस है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूँगी कि अगर डोमेस्टिक हरासा किया जाना घर से सिखाया जाए ना, तो घर में लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, ये आपकी सोसाइटी आपको सिखा रही है. घर में अगर किसी तरह से तशद्दुद का माहौल है तो वो घुटा हुआ माहौल लड़की के लिए भी है और लड़के के लिए भी है, लेकिन लड़के को थोड़ा स्पेस ये मिल जाती है कि वो घर से बाहर है, वो लेट आवर्स में भी घर से बाहर है, वो अपने इर्द गिर्द से सीख रहा है और लड़की सिर्फ घर के अंदर है. सो ये जो सिनफी इम्तियाज़ है इसको हम घर से भी ख़त्म कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कम्युनिटी भी इसमें जो रोल अदा करना चाहिए बल्कि उसको करना चाहिए, तो ये होना चाहिए. डेटा की बात आपने की थी, तो जब से कानून बना है डेटा में इजाफा तो हो रहा है. वो इजाफा होने का बायस ये है कि जब औरत को हरासा किया जाता था 2010 से पहले, चूँकि कोई कानून मौजूद नहीं था, तो किसी थाने में या मुतलका मैकेनिज़म के पास जब वो जाती थी तो उसके पास कोई रेलिवेंट क्लॉज नहीं थी, ऐसी रेलिवेंट कानून नहीं था. अब जब हरासा की जाती हैं तो ऐसी कुछ ख़वातीन हैं जो जिनके अंदर अभी हिम्मत करेज है, वो पहुंच जाती हैं वहाँ पे, FIR भी दर्ज हो रही है और इंसाफ तक उनकी रसाई में मसाइल तो ज़रूर हैं लेकिन वहाँ पे जा रही है, डेटा में इजाफा हो रहा है. कानून आने का फ़ायदा ये हुआ है कि अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है. सो जो हम घर के अंदर के माहौल की बात करते हैं, बहुत काउंट करती है आपकी फैमिली के अंदर क्या इन्वायरमेंट है. फैमिली के अंदर अगर तशद्दुद का माहौल है तो वो आपके बच्चे को ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी और हर तरह से नामुकम्मल कर देगा, और उस तरह वो फाल शहरी नहीं रहेगा, वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके हसूल के लिए भी सीधे रास्ते नहीं बल्कि गलत रास्ते तलाश करेगा. हरासा किए जाने के उसमें लड़कियां कुछ और काम कर रही होंगी जो कि सही रास्ता नहीं होगा, मर्द कुछ और काम कर रहे होंगे. सो वालदैन को इस पे चाहिए कि अपने घर के माहौल को इतना सॉफ्ट और इतना फ्रेंडली रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उस बच्चे की मसरूफियत क्या है, और
उस बच्चे को घर से गए हुए कितनी देर, जैसे हम बेटी पे नज़र रखते हैं कि बेटी मगरिब से पहले उसको घर आना चाहिए, स्कूल की अगर छुट्टी इतने बजे हुई है तो उसको लेने जाना चाहिए, इसी तरह लड़कों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का ना सिर्फ बल्कि हमारी फैमिली का एक अहम हिस्सा है, और उन्होंने जाके, और ख़ास तौर पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यूथ को इस तरह की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। शनीला साहिबा, आपसे एक सवाल कि ये जो जानिबदाराना रवैया बरता जाता है माँ बाप की तरफ से बच्चों की ग्रूमिंग में, लड़कियों का एक अलग किस्म की ग्रूमिंग की जाती है, लड़कों की अलग किस्म की ग्रूमिंग की जाती है, क्या ये हरासमेंट को फ़रोग देता है? पहले तो मैं कहूँगी ये जानिबदाराना रवैया नहीं है, ये दोनों के लिए गलत है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए। हमारे माशरे में जितने मसाइल हैं, ख़ास तौर पर ये हरासमेंट के हवाले से या वर्क प्लेस पर भी हरासा किए जाने के हवाले से, वो घर से ही शुरू होते हैं, और उसकी वजह यह कि हम अपने बच्चों की प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं करते, उनकी तरबियत सही नहीं करते। मैं अपने बच्चे को अगर ये बताऊं कि नहीं तुम्हें बस में चलती हुई किसी खातून को जगह देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने भी टिकट दी हुई है, तो मैं अपने बेटे को क्या मैसेज दे रही हूँ? यू डोंट हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड वेमेन इन स्पेसिफिक। जब मैं अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करूँगी तो फिर वो किसी की भी इज्जत नहीं करेंगे, और आज अगर वो घर से बाहर किसी औरत की इज्जत नहीं करेंगे तो कल वो घर में अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करेंगे। तो असल मसाइल तो घर की तरफ से शुरू होते हैं, और हम अपनी लड़कियों में वो एतमाद नहीं पैदा करते, और उसकी वजह यह कि हम उनके साथ बातचीत नहीं करते। अगर मेरे साथ बाहर कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए जिससे मैं मेंटली अपसेट हो जाऊं, तो मैं घर जाके अपनी माँ और बाप से नहीं बात कर पाऊँगी। यही वजह है कि जब आप घर में आपका कम्युनिकेशन गैप आएगा और वो ट्रस्ट लेवल नहीं होगा, तो वो ट्रस्ट लेवल वो आपके अंदर एतमाद की जो कमी होगी वो बाहर आपके काम में निकलेगी। बिल्कुल, असल मसला ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं सही कर रहे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लड़की को हम अंडर प्रेशर रखते हैं और उसमें एतमाद की कमी हो जाती है, और लड़कों को हम ये बताते ही नहीं हैं कि इज्जत क्या चीज़ होती है और हर इंसान की इज्जत होती है। ठीक, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा।